हम दोनों ने आप लोगों के बगैर ही चाय शुरू कर दी। अच्छा किया, मेरा मूड भी नहीं था चाय पीने का। और आपका? मैं जरूर पीऊंगी शामिर की कंपनी में। विशाल कहाँ है? विशाल चली गई। इतनी जल्दी चली गई? अभी तो आई थी। जी, उसको जरा जल्दी घर जाना था तो वो चली गई। मैं भी अपने कमरे में चलती हूँ अब। हाँ, सफर से थक गई होगी, आराम करो तुम। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। अच्छा जी, मैं भी चलता हूँ, दोस्त इंतजार कर रहा होगा मेरा। कहाँ जा रहे हो? हीर ने आपको बताया नहीं? नहीं, हीर ने तो हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, मम्मा जी ने कहा था तुम तो हमारे साथ चंद दिन रुकोगे। जी हाँ, लेकिन चाची मैं थोड़े दिन अपने दोस्त के घर रुकूंगा। दोस्त के घर रुको? क्यों, हम लोग तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। तो फिर क्या बात? मैंने सोचा मैं यहाँ रुकूंगा तो खाम खाम आप लोगों को जहमत होगी। तो फिर हीर को भी साथ ही लेके जाओ। जी तो और क्या भाई, जिस तरह हीर हमारी बेटी है, तुम भी तो हमारे बेटे हो। ये घर जितना उसका है उतना ही तुम्हारा है। मैं जानता हूँ चाचा जी, फिर भी अपना घर होते हुए अपने दोस्त के पास रहने का सोच रहे हो। चाची जी आप तो नाराज हो गए। अगली दफा आऊंगा ना तो आप लोगों के साथ रुकूंगा। बरखुरदार, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं रहोगे। चाचा जी दोस्त को बोल दिया है, इंतजार कर रहा होगा मेरा। फोन करके मना कर दो, हम तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकते। सॉरी यार, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे जाने ही नहीं दिया। ठीक किया उन्होंने, वैसे मुझे भी काफी अजीब लग रहा था तुम्हारा इस तरह चले जाना। हेली, तुम लेट जाओ, काफी थक गए होगे। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं थोड़ी देर अम्मी के पास रुकूंगी, तुम सो जाओ।
हीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी तो कुछ देर के लिए यहाँ चली आई। नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम सोने जा रही हो और बहुत थक गई हो। मैं, आपको पता है ना, जब मेरी जगह तब्दील हो जाती है तो मुझे नींद नहीं आती इतनी आसानी से। और तुम भी जानती हो, जब तुम्हारा लहजा तुम्हारा साथ ना दे तो मुझे यकीन नहीं आता। ना ये जगह तुम्हारे लिए नई है और ना तुम मेरे लिए अजनबी। सच सच बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, आप खामखाई परेशान हो रही हैं। हीर, मैं तुम्हारी माँ हूं और किसी भी सूरत चाहती हूं कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। लेकिन जो कुछ मुझे नजर आ रहा है, कुछ ठीक नहीं है। जब से तुम आई हो, शामिर से खिंची खिंची दिखाई दे रही हो। खाने पे भी उससे कोई बात नहीं की तुमने, और तो और उसके दोस्त के साथ जाके रहने पे भी तुमने कोई एतराज नहीं किया। अम्मी, मैं एतराज क्यों करती? वो अपनी खुशी से जाना चाहता था। विशाल भी तो आई थी मुझसे मिलने के लिए। यही तो, विशाल तुम्हारी बचपन की दोस्त है, लेकिन उसकी अम्मी ने कभी हमारे घर भी उसे शाम के बाद नहीं भेजा। आज उसका यूं यहाँ चले आना, तुम्हें अलग ले जाके सरगोशियां करना, ये सब क्या है? अम्मी, अब आप अगर यूं पुलिस वालों की तरह कड़ी से कड़ी जोड़ने लगेंगी तो मैं बगैर किसी जुर्म के भी आपको मुजरिम ही नजर आऊंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप ज्यादा ना सोचें, सब ठीक है। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो। तो मेरी तो खैर, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में वो है, वो कोई और सदमा सह नहीं पाएंगे। जमाल, ये रख लो, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा। मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए जमाल? अगर ये तुम्हारे पास होगा तो तुम कह दिया ना, नहीं है मुझे इसकी जरूरत। जरूरत तो तुम्हें है, शायद तुम रابطہ नहीं रखना चाहते। मैंने तुम्हें अपनी जबान दी है, वापस आऊंगा और रब्ता भी रखूंगा। तो फिर ये जबान भी दो के इसका बहोगे?
खुद को मेरी दोस्त कहती तो हो मगर दोस्त रहती नहीं है। क्या मतलब? दोस्ती में तड़प नहीं होती मरियम, दोस्ती में तो हक होता है, दावा होता है। तो फिर ठीक है, अगर तुम वापस नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे गांव आके तुम पे दावा करूंगा। मंजूर है, मंजूर है, पर अभी कुछ दिन माँ के पास रहने की इजाजत तो है ना। ख्याल रखना। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भय आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भय आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, करे तू दिल लगी की सुन साया। यहाँ जी वो जमाल है। आइए। बैठिए। नो थैंक्स। जमाल कहाँ है? तुम तो उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल चुकी हो ना ही, तो फिर अब दोबारा क्यों मिलना चाहती हो?
आखिरी बार मिलने आई हूँ। मोहब्बत में कोई मुलाकात आखिरी नहीं होती है। तो तुम्हें क्या इतराज है कि जमाल और हीर का प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतनी पर्सनल हो? मैं हीर से बात कर रही हूँ। देखो मरियम, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में, प्लीज जमाल को बुला दो। वो यहीं रहता है ना तुम्हारे साथ? मेरे ख्याल से तो तुम्हें इस बात से अब कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही जमाल की जात से। कुछ जरूरी काम था इसलिए पूछा। अमीरों के बच्चों को कहाँ फर्क पड़ता है, किसी का दिल या हौसला टूटने से? क्योंकि वो तो इंसानों को भी खिलौना समझते हैं ना। एक टूट गया तो नया आ जाएगा, लेकिन हम गरीब, हम तो मिट्टी से बने खिलौनों को भी रिश्तों की तरह संभाल के रखते हैं। इसलिए टूटने का दर्द बहुत अच्छे से जानते हैं। मरियम, इंसान गरीब हो या अमीर, अगर उसके पास दिल है तो वो दर्द महसूस कर सकता है। मोहब्बत में मेरी हालत जमाल से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बस वैल्यूज मुख्तलिफ हैं। तरह उसके पास मेरे अलावा पाने को कुछ नहीं, उसी तरह मेरे पास उसको खोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्यों आई हो उससे मिलने? लाताल्लुक होने। हाँ, ताल्लुक तो तुम उससे हो चुकी होगी। हाँ, लेकिन इन दोनों में अभी तक तलाक तो नहीं हुई ना? लेकिन हीर जब जमाल से मिलने आई थी तो उसने खुद कहा था कि उसे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जिस... मैडम, वो सारी डिटेल्स मुझे पता है। तुम सिर्फ ये बताओ कि जमाल कहाँ है। अगर तुम उसे हमारे सामने लाओगी तो तुम्हें और भी खुशी होगी, क्योंकि हीर जमाल से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। फिर वो सिर्फ तुम्हारा ही रह जाएगा। अगर तुम्हें ये गुमान है तो यही सही। जमाल इस वक्त तुम लोगों से नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने आने में देर कर दी है। अब तो जमाल अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका होगा। वो गांव जा रहा है? हाँ। ये बात अगर तुम हमें आते साथ ही बता देती तो हम उसे रास्ते में ही रोक लेते। अगर आप मुझे मौका देती तो मैं बता देती। परेशान मत हो हीर, जमाल कुछ दिनों के लिए ही गया। अरे हम कुछ दिन तो क्या, मेरे पास कुछ घंटे भी नहीं है सब्र करने के लिए। कितने बजे की ट्रेन से जा रहा है? 11 बजे की। हीर, अभी 11 बजने में 15 मिनट है, हम उसे अभी भी रोक सकते हैं। 15 मिनट में? अब तुम मुझे जमाल का नंबर दो। जमाल के पास तो फोन नहीं है। क्या उसके पास फोन भी नहीं है? मिशाल, अब हम क्या करेंगे? हाँ, तुम चलो मेरे साथ। मैं, लेकिन चलो। जब तुम दोनों का एक मर्तबा निकाह हो चुका है, दोबारा आपस में निकाह करने का क्या तुक बनता है? मैंने बताया ना, हीर को डाउट है कि उस वक्त मैंने वो निकाह मजबूरी की हालत में, इसलिए शरई तौर पे जायज। और तुम्हें?
ही ठीक कहती है यार। उस वक्त मैंने हीर को और अपने रिश्ते को वाकई दिल से कबूल नहीं किया था। यानी तुम भी दोबारा दूल्हा बनने के लिए उतने बेताब हो जितनी की भाभी? नहीं, मैं उसे अपना आप सौंपने के लिए उससे कहीं ज्यादा भेजा, इसलिए ये निकाह अगर आज ही हो जाए ना तो तू हंस रहा है मुझ पर? तो और क्या करूं, तू दूसरे निकाह का ऑप्शन भी पहली बीवी पे जाया कर रहा है, तेरी इस बेवकूफी पे हंसू भी ना। तो ठीक है, तू हंस मर जाकर, मैं अपनी ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूं। अच्छा सुन सुन, बात सुन, तुम एक ही लड़की से बार बार निकाह करते रहो और मैं अफसोस भी ना करूं। एक यार, हम मर्दों के पास वैसे ही चार मौके होते हैं। तू चल रहा है या नहीं? चल तो रहा हूं। देख, अगर तुमने दूसरा निकाह करना ही है तो किसी और लड़की से कर लेना, लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। देख शास, मेरी एक बात अच्छी तरह से जान, अगर मेरे पास हजार ऑप्शन भी होते ना, तब भी हीर से मिलने के बाद, उसको जानने के बाद, मैं सिर्फ हीर को ही अपना। I'm sorry यार, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि तू हीर भाभी को लेके इतना सीरियस हो गया। चल आज तेरा और भाभी का फिर से निकाह करवा दिल से। वाला साहब, लो जी। मुतम्मा, मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई जमालुद्दीन नाम का आदमी हमारे इंक्वायरी ऑफिस से राब्ता करेगा तो उसको बिठा लिया जाएगा। जी नहीं, अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। जी जी नहीं, ट्रेन नहीं रोकी जा सकती। क्या कहा? मैं समझने की कोशिश करूं? मोहतरमा, आप समझने की कोशिश करें, किसी के घरेलू छोटे मोटे मसलों की वजह से पूरी ट्रेन नहीं रोकी जा सकती। हाउ इट्स पॉसिबल? क्या हुआ? फोन काट दिया तो दोबारा मिलाओ ना। देखिए भाई साहब, ये कोई आम सा घरेलू मामला नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं फाइन देने को तैयार हूँ, आप बस प्लीज 15 मिनट के लिए ट्रेन रुकवा दें। हेलो, फिर से फोन काट दिया। कोई बहुत ही बदतमीज और बेहस इंसान बैठा है। तुम क्यों परेशान हो रही है? हम पहुंच जाएंगे। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक हमारे यहाँ कोई भी ट्रेन टाइम पर रवाना नहीं हुई। ये भी लेट। शौकत भाई, आप प्लीज गाड़ी तेज चलाएं। We'll be right back.
चलें। मैं क्या करूंगी विशाल? हाँ मैं शामीर का सामना कैसे करूंगी? क्या बहाना क्या बनाऊंगी अब? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा ना। नहीं, हम जमाल के दोस्तों के पास जाएं। वहां जाके क्या करेंगे? उनके पास जमाल की अम्मी का नंबर होगा ना। हीर जमाल जहाज से नहीं जा रहा, जो 3 घंटों में अपने गांव पहुंच जाएगा वो ट्रेन से जा रहा है। उसे पहुंचते पहुंचते 3 दिन लगेंगे। निशु प्लीज 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 कुछ करो, मैं इस सिचुएशन में शामिल का सामना नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास कोई जादुई जड़ी नहीं है, बी प्रैक्टिकल। जाए इतने सारे दिन गुजार लिए हैं, वहां 2-3 दिन और गुजार लो, फिर जैसे ही जमाल से कॉन्टेक्ट हो तुम फॉर्म पर ही डिवोर्स ले लेना। चलें, अगर ज्यादा देर की तो आंटी शक करेंगे। चलो अस्सलामुअलैकुम। हाँ हीर, कहाँ हो तुम? जी अम्मी, हम बस यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं। अच्छा निकल गई हो, चलो मैं लंच रेडी करवाती हूँ। हाँ ठीक है, आप करवा दें। मिशाल तो रुकेगी ना लंच पे? मिशाल तुम रुकोगी लंच पे? नहीं, मैं तो मैं घर ड्रॉप करके फौरन आना चाहूँगी। अम्मी मिशाल नहीं रुकेगी। अच्छा ठीक है, तुम तो आओ। अच्छा सुनो, शामीर से भी पूछ लो, अगर दोस्तों से फारिग हो गया हो तो उसको भी बुला लो लंच पे। रहने दे अम्मी, वो फ्री हो जाएगा तो खुद ही आ जाएगा। अल्लाह हाफिज। देखिए शरई लिहाज से इसमें कोई उजर कोई कवाद नहीं, अलबत्ता कानूनी। मौलवी साहब, आपकी बात में दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर हम दोनों मियाँ बीवी हिजाब और कबूल दोबारा करना चाहते हैं अपने दिल के वहम को दूर करने के लिए। अल्लाह ताला आपके इस रिश्ते में खैर बरकत अता फरमाए और आपकी नीयत को पसंद फरमाए। आमीन। तो फिर हम कब आ जाए? कल आ जाए आप नमाज। मौलाना साहब कल नहीं, हम ये काम आज ही करना चाहते हैं। आज तो अच्छा चलें, ऐसा कीजिएगा कि आज शाम में तशरीफ ले आइएगा बाद नमाज असर। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत है मौलाना साहब? बिल्कुल इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किससे मिलने गई थी? आई मीन यूनिवर्सिटी में कौन कौन मिला था? सारे फ्रेंड्स अम्मी, जो भी मेरे साथ उस वक्त यूनिवर्सिटी में ग्रुप में थे। और वो लड़का कौन? जमाल। वो उसने तो कब की यूनिवर्सिटी छोड़ दी। और तुम्हें क्या मतलब? तुम उसी से मिलने गई थी ना? नहीं नहीं, तुम वो यहाँ आया था हीर।
अब यहाँ क्या है? रेस्टोरेंट है। वो तो मुझे भी दिखाई दे, लेकिन तू यहाँ क्यों रखा है? भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया मैंने, चाय पे भाग रहा हूँ, कुछ तो ख्याल कर। शराफत से गाड़ी वापस घुमा लो, मुझे अपनी हीर के पास फौरन से पहुंचना। यार तुझे नहीं लगता कि ये जुल्म हो रहा है मेरे साथ, ज्यादती हो रही है मेरे साथ? मोहब्बत तूने की, प्यार तुझे हुआ, भूख तेरी मिटी, मैं क्यों भुगतूं? तो कोई बात नहीं, दोस्त की खातिर बर्दाश्त कर। दीक्षा प्लीज, अब ऐसे बोलेगा तो मानना ही पड़ेगा ना। थैंक यू, तेरी मोहब्बत ना मेरे पेट में भारी पड़ी। अगर मैं तुम्हारी बात पे उस वक्त यकीन कर भी लेती है तो भी यही सिचुएशन होती, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था। ये तो सारे रास्ते एक ही जगह जाकर खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? किस दीवार से जाकर अपना सर टक रहा हूं? मैं तो यहां ये सोचकर आई थी कि खामोशी से जमाल से मिलूंगी, उससे तलाक लूंगी और शामीर से दोबारा निकाह कर लूंगी, मगर क्या उसे तलाक देने से मना करती है? ये नहीं। मेरी तकदीर ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। क्योंकि जमाल आज वापस अपने गांव चला गया है। और शामीर? मैंने तुम लोगों के कमरे में अलग अलग बिस्तर देखे थे। क्या शामीर कुछ जानता है? आपको क्या लगता है? किसी मर्द का इतना जर्फ हो सकता है? तो फिर शामीर खुद को किसी और आईने में देख रहा था, इसलिए उसके और मेरे बीच एक शीशे की दीवार थी। मेरी बदबख्ती देखें कि शामीर ने वो दीवार भी तोड़ दी। अब मैं बस उन किर्चियों के पीछे छुपकर शामीर से बचने की कोशिश कर रही हूँ, मम्मी बहाने बना रही हूँ कि किसी तरह जमाल से तलाक मिलने तक मैं अपना वजूद शामीर के हिसार से बाहर रख सकूं। मैं भी कितनी मुनाफिक हूं, जमाल से मिलकर तुम्हारे और उसके निकाह वाली बात पे यकीन करने के बावजूद घर और इज्जत की खातिर खामोश रही। हालांकि जिनसे मैंने फतवा लिया था उन्होंने कहा था कि पहले शख्स से तलाक लेकर दूसरे से दोबारा ही जाबो कबूल जरूरी है। वो तुम शामीर से दोबारा निकाह करने वाली कोई बात कर रही थी? क्या बताऊं मम्मी, बाबा की खातिर कुर्बान होने के लिए मैंने खुद की और शामीर की आंखों पर किन किन बहानों की, किस किस तरह के झूठों की पट्टी नहीं बांध रखी।
लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। कहीं मेरी कुर्बानी ऐसे ही जाया ना चली जाए। शामीर मुझसे निकाह करना चाहता है आज। उसी के लिए तैयारी करने गया है। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? अब क्या बहाना बनाऊंगी उससे? बाजी, ऊपर शाहमीर साहब आए। अच्छा, ठीक है।